हेलो स्टूडेंट्स, एई वीडियो रे मु आपन मानकु प्लस टू सेकंड ईयर केमिस्ट्री रो किछि मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म क्वेश्चन देबी और एई वीडियो रे मु आपन मानकु जति क्वेश्चन देबी से सब हमरो 2025 रो बोर्ड एग्जाम पई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो और एई वीडियो रे मु केवल फिजिकल केमिस्ट्री रो सिलेक्टिव क्वेश्चन दउजे बहुत जल्दी मु आपनकु इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रे मध्य सिलेक्टिव क्वेश्चन दे देबी। फिजिकल केमिस्ट्री हमरो एई क्वेश्चन उडीक इम्पोर्टेंट रहउजे हमरो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन पई और एथिरे हमरो फर्स्ट क्वेश्चन होउजे एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट। एटा होचा हमरो फर्स्ट क्वेश्चन और ए क्वेश्चन ने हमरो सॉल्यूशन चैप्टर रहइबो। एबे आमे हमर सेकंड क्वेश्चन देखिबा। सेकंड क्वेश्चन होचा हमरो डिफरेंशिएट बिटवीन फ्यूल सेल एंड बैटरीज। एही क्वेश्चन ने हमरो सेल रिएक्शन टा भी बहुत इंपोर्टेंट। एथिरे आपण ए फ्यूल सेल आ बैटरी रो सेल रिएक्शन टा भी लिखिबे। एबे आमे हमरो केमिस्ट्री रो थर्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 3 रे हमरो दीटा क्वेश्चन अछि। ए रे अछि हमरो व्हाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और बी रे अछि हमरो कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाय ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास 1,85,000 इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। एटा थिला हमरो क्वेश्चन नंबर 3। एही क्वेश्चन रे हमकु ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करियो दैजे और एही क्वेश्चन रो आंसर को मु हमर टेलीग्राम ग्रुप रे छाडी देबी। एबे आमे हमरो क्वेश्चन नंबर 4 देखिबा। हेले ता पूर्वरु गोटे गुरुत्वपूर्ण सूचना, मु आर वर्ष पिलांकु केमिस्ट्री रो जो सिलेक्टिव क्वेश्चन दैथिली सेथिरु हमरो पूरा 100% क्वेश्चन एग्जाम रे आसथिला। आपण चाहिले हमरो प्रीवियस इयर रो वीडियो गुडी करो कमेंट सेक्शन को चेक करि परिबे आ मु हमरो टेलीग्राम ग्रुप रे आर वर्ष रो केमिस्ट्री रो क्वेश्चन पेपर टा भी दे देबी, जहा द्वारा आपण जानि परिबे जे मोर सिलेक्शन क्वेश्चन गुडी भितरु केते परसेंट क्वेश्चन एग्जाम रे आसुचे। एक कथा मु आपण मानकु कोन पई कहउचे, देखंतु एई वीडियो रे मु आपण मानकु जो सब क्वेश्चन दउचे से गुडी करो बहुत अधिक इंपोर्टेंस रहुचि अमर बोर्ड एग्जाम पई। तो सेथि पई मु जाउचि आपण माने एही सब क्वेश्चन को टिके अधिक सीरियस हे कि भलो भाबे टाइम दियंतु। एबे आमे अमर क्वेश्चन नंबर 4 देखिबा। अमर क्वेश्चन नंबर 4 होउचि व्हाट इज बैंड ऑफ फैक्टर हाउ इट हेल्प द डिटरमिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एही क्वेश्चन टे अमर सॉल्यूशन चैप्टर रहुचि। एबे आमे अमर क्वेश्चन नंबर 5 देखिबा। अमर क्वेश्चन नंबर 5 होउचि स्टेट राउट्स लॉ डिराइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। एटा होउचि अमर क्वेश्चन नंबर 5 और एही क्वेश्चन टी मध्य अमर सॉल्यूशन चैप्टर रहुचि। एबे आमे अमर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। अमर क्वेश्चन नंबर 6 होउचि व्हाट इज आरहेनियस इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सप्रेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। एटा होउचि अमर क्वेश्चन नंबर 6 और एही क्वेश्चन टी अमर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रहइबो। एबे देखिबा अमर क्वेश्चन नंबर 7। अमर क्वेश्चन नंबर 7 होउचि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल सेल। एटा होउचि अमर क्वेश्चन नंबर 7 और एही क्वेश्चन टी मध्य अमर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रहइबो। एबे आमे अमर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। अमर क्वेश्चन नंबर 8 होउचि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट। एटा होउचि अमर क्वेश्चन नंबर 8 और एही क्वेश्चन टी अमर केमिकल काइनेटिक्स रहउचि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन गैल्वेनिक सेल। एटा होउचि अमर क्वेश्चन नंबर 9 और एही क्वेश्चन टी अमर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रहउचि। एबे आमे अमर क्वेश्चन नंबर 10 देखिबा। अमर क्वेश्चन नंबर 10 रे दीटा क्वेश्चन अछि। ए रे अछि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी विथ एग्जांपल और क्वेश्चन नंबर 10 रो बी रे अछि डिराइव आरहेनियस इक्वेशन ऑफ रिएक्शन रेट। एही दुईटी क्वेश्चन अमर केमिकल काइनेटिक्स रहउचि। एबे आमे अमर क्वेश्चन नंबर 11 देखिबा। अमर क्वेश्चन नंबर 11 होउचि व्हाट इज अबनॉर्मल मॉलिक्युलर मास डिस्कस इट्स बेइंग इन एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एही क्वेश्चन टी अमर सॉल्यूशन चैप्टर रहउचि। अमर क्वेश्चन नंबर 12 होउचि स्टेट एंड एक्सप्लेन फाराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एही क्वेश्चन टी अमर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रहउचि। एबे आमे अमर क्वेश्चन नंबर 13 देखिबा। अमर क्वेश्चन नंबर 13 होउचि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एटा होउचि अमर क्वेश्चन नंबर 13 और एही क्वेश्चन टी अमर केमिकल काइनेटिक्स रहउचि। एबे देखिबा अमर क्वेश्चन नंबर 14। अमर क्वेश्चन नंबर 14 होउचि व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एथिरे हमकु आई रे देइजि रिलेटिव लोयरिंग वेपर प्रेशर और डबल आई रे देइजि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ट्रिपल आई रे देइजि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और आई वी रे देइजि ऑस्मोटिक प्रेशर। एटा थिला हमर क्वेश्चन नंबर 14 और एही क्वेश्चन टी अमर सॉल्यूशन चैप्टर रहउचि। एबे आमे अमर क्वेश्चन नंबर 15 देखिबा। हेले ता पूर्वरु आउ गोटे कथा जानि नियंतु 2025 रे हमर जो केमिस्ट्री रो फाइनल एग्जाम हबो सेथिरे हमर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रु जहा भी हेले दीटा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो। तो सेथिपाई हमर फिजिकल केमिस्ट्री रे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को टिके अधिक इंपोर्टेंस देबे। आर वर्ष मु हमर सॉल्यूशन चैप्टर को अधिक इंपोर्टेंस देबा पई कहिथिली आ आर वर्ष हमर सॉल्यूशन चैप्टर रु ही दीटा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आसीला जो गुडी कि हमर सिलेक्शन क्वेश्चन भितरु ही आसीला। सेमिति 2025 रे भी हमर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रु दीटा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जेमिति हेले आसीबो।
এটি আমার কোশ্চিন নম্বর 15 রে দুইটা কোশ্চিন আছে এ রে আছে স্টেট এন্ড এক্সপ্লেইন কোলারুস ল আর বি রে আছে ডেসক্রাইব ইলেকট্রোড পটেনশিয়াল এন্ড নর্টস ইকুয়েশন আর এই দুইটি কোশ্চিন আমার ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি রইবো এবে আমি আমার লাস্ট কোশ্চিন দেখিবা আমার কোশ্চিন নম্বর 16 হচ্ছে ডিসকাস মিনিমাম বয়লিং আজিওট্রপস এন্ড ম্যাক্সিমাম বয়লিং আজিওট্রপস এই কোশ্চিনটি আমার সলিউশন চ্যাপ্টার রয়েছে বা সেটি কোশ্চিন আমার ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির লং টাইপ কোশ্চিন পাই ইম্পর্টেন্ট রয়েছে এই ভিডিওরে মু আপনাদের কেবল 16টি লং টাইপ কোশ্চিন দেলি আর এই 16টি লং টাইপ কোশ্চিন আপনাদের পাই পুরা এনফ রইবো আর বহু জলদি মু আপনাদের ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির 3 মার্কস ও 2 মার্কস পাই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চিন গুড়িক দেই দেবি আর কেমিস্ট্রি আমার ইনঅর্গানিক পার্ট ও অর্গানিক পার্টের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চিন উপরে মু ভিডিও বহু জলদি নেই আসিবি সেথিপাই আপনাদের চিন্তা করতুনি বা সেতিকি রইবো আজর এই ভিডিও পাই ভিডিওটিকু পুরা দেখিথিবারু ধন্যবাদ।